सर हम निकल रहे हैं ताऊबट से, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है केरन। ऊपर से आप व्यू देखें वो दूर तक आपको वैली दिखाई दे रही है, यही इसकी खूबसूरती है। ट्रेन का लॉक टूट गया और अब ये हमें बदलना पड़ेगा। ये ऊपर से झरना बहता आ रहा है और सड़क पर ट्रैक पे ही गिर रहा है और वहाँ से दरिया में जाता है। ट्रैक की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे जो बाइक है वो कीचड़ में फंस रही है और मुश्किल से चल रही है। ये केएल मेन बाज़ार की ये हालत है। ताऊबट से सुबह हम निकले थे और केएल पहुँचे हैं, और अब हमने केएल से अपना सफ़र स्टार्ट आगे कर दिया है केरन के लिए। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त एडवेंचर रास्ता है। इसी तरह के पानी के काफ़ी झरने आपको इस ट्रैक पे मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और मैं अब क्या तारीफ़ें करूं इन वादियों की। मैं इनकी वीडियोस बना रहा हूं और आपको ये दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, और आप भी महसूस हों इन खूबसूरत वादियों को देख के, और ज़रूर प्लान करें यहाँ पे आने का और इन वादियों को देखें। कश्मीर वाकई एक जन्नत का टुकड़ा लगता है। आप भी आएँ और इन खूबसूरत वादियों को देखें। इस तरह के झरने आपको मिलते हैं इस ट्रैक पे, जहाँ पे आप रुक के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है ये। ऐसे लगता है जैसे दूध बह रहा है, और ये बहुत ही ठंडा पानी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है यहाँ पे। अब मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन अब बादल हैं और आगे मौसम साफ़ है। बस यहाँ पे इन नॉर्दर्न एरिया में यही है, आप मौसम की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि एक लम्हे में बादल होते हैं और दूसरे लम्हे में सूरज निकला होता है। बस इसी तरह के आपको मुख्तलिफ मनाजर इन एरियाज़ में नज़र आते रहते हैं। ट्रैक अभी क्योंकि तामीर हो रहा है इस वजह से ख़राब है। दें जी, मैंने जिस तरह आपको कहा था बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं था, और अब बारिश स्टार्ट हो गई है। जब हम केल में रुके थे तो तब बहुत तेज़ धूप थी, और अब जो है आगे भी मुझे मौसम जो है बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, मैंने पैकिंग की हुई है अपनी, इसलिए मैं रुका नहीं रहा हूँ, मैं चलता रहूँगा बारिश चाहे होती रहे। आगे उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि मौसम से अंदाज़ा हो जाता है कि बारिश किस तरह की है। ये बस ऐसे ही मिल गई है बारिश, लेकिन मुझे बारिश में ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ जैसे ही बारिश मिलती है। लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन मैं इससे परेशान बिल्कुल नहीं होता बारिश से, बल्कि मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये लें जनाब, अब बिल्कुल तेज़ धूप है। अभी कुछ देर पहले रास्ते में बारिश थी और मैं कुछ ही किलोमीटर आगे आया हूँ, तो यहाँ पे अब बिल्कुल तेज़ धूप है, लेकिन हवा ठंडी है, बहुत मज़ेदार लग रही है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है मौसम की, एक ही लम्हे में बारिश और दूसरे लम्हे में धूप, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है और अब मुझे ड्राइव का भी मज़ा आ रहा है। मैं अब बिल्कुल शारदा के करीब हूँ और दोस्त मेरे पीछे रह गए हैं। मैं काफ़ी स्पीड पे मैंने ये ट्रैक किया है, अब शारदा बिल्कुल करीब ही आ गया, और यहाँ पे स्पीड भी इसलिए हो गई कि ये ट्रैक थोड़ा सा सीधा है, इसमें इतना ख़राब नहीं है। रोड ख़राब ज़रूर है, लेकिन कुछ बेहतर भी है। वो सामने मुझे जो है वो शारदा दिखाई दे गया, तो मैं तो शारदा पहुंच गया हूँ, दोस्त मेरे भी काफ़ी दूर हैं। मैं यहाँ पे रुक के उनका वेट करूँगा, वो आएंगे तो फिर हम आगे निकलेंगे। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे ये नीलम नहीं है, ये बल्कि सुरगन नाला, नूरी टॉप से जो एक नदी आ रही है ये वो है जो आके यहाँ पे शारदा में
दरियाए नीलम से मिलती है। ये भी बहुत खूबसूरत ट्रैक है, मैं इसके भी आपको मैंने दिखाया है अपनी वीडियोस में, नूरी टॉप का भी ट्रैक थोड़ा सा, तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ पे रुक गया हूँ आके अपने दोस्तों के इंतज़ार के लिए, और आपको याद होगा पिछले साल भी मैं इसी जगह पे उनका वेट कर रहा था, और ये मुझे जगह बहुत प्यारी लगती है। वो जो सामने आपको ट्रैक ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, ये नूरी टॉप को जाता है, और मैं वो राइट साइड से आया हूँ आगे केल वाली साइड से। और ये जो जगह है ये शारदा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे हवा जो है वो बहुत तेज़ रहती है, यहाँ पे पहाड़ों का कटाव इस तरह का है और हवा है भी ठंडी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि वो दूर मुझे बाइक्स दिखाई दे गई हैं, दोस्त मेरे जो हैं वो आ गए हैं, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, वो आएंगे तो यहाँ से हम अपना खाना खा के दोपहर का, तो फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, मैं इस वक्त शारदा से निकल आया हुआ हूँ और अपर नीलम जा रहा हूँ, रात अपर नीलम स्टे करने का प्लान है, और फिर सुबह देखें रत्ती गली का प्लान है, हाँ रत्ती गली करेंगे, और यहाँ से नीलम को देखेंगे वहाँ पे कैसे था और यहाँ पे कितना गहरा हो गया और किस तरह के मामले आते हैं इसके, ज़बरदस्त किस्म। जनाब हमारे एक दोस्त की बाइक जो है वो पंक्चर हो गई है रास्ते में, और हम शारदा से भी आगे आ गए हैं, वहाँ पे खाना खा के हम आगे निकल रहे थे, तो यहाँ पे बाइक पंक्चर है। अब यहाँ पे तो कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही, हमने टायर खोल लिया है, अब जाके इस पे पंक्चर लगवाएंगे। जी जनाब, मैंने अब आपने देखा है कि दूसरी बाइक पे मैं बैठा हूँ, दोस्त मेरे पीछे बैठे हैं, हमने टायर ले लिया है, और अब हमने हमारा मिशन है इसको पंक्चर लगवाना है, और एक दुकान ढूंढ रहे हैं। मैंने जीप वाले भाई से पूछा है, उसने बताया जी आगे एक छोटा सा बाज़ार है वहाँ पे आपको ये दुकान मिल जाएगी, तो अब हम वहाँ पे ये पंक्चर लगवा के वापस जाएंगे और अपना टायर फिट करेंगे और फिर सफ़र स्टार्ट करेंगे। जी ये एक हमें दुकान छोटी सी मिल गई है, यहाँ पे हम पंक्चर लगवाएंगे और फिर निकलेंगे। पंक्चर लगवा के टायर हम ले आए हैं, अब हम इसमें टायर फिट करेंगे और फिर अगला सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे। कुछ देर आप इस चीज़ का नज़ारा करें। जी पंचर लगा के हमने अपने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कितना दूर और गहरा है यहाँ पे, वो दूर है दरियाए नीलम, यहाँ से काफ़ी गहराई में चला जाता है, हम काफ़ी ऊंचाई में आ गए हैं। ये सारा ट्रैक ही ऐसा है मुजफ्फराबाद से लेके ताऊबर तक, आप कभी बिल्कुल दरिया के साथ चल रहे होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, यही खूबसूरती है, आप बोर नहीं होते इस ट्रैक पर, आप क्योंकि हर मोड़ के बाद एक नई सीनरी आपकी आंखों के सामने आ जाती है, तो नए से नए सीन, नए से नई सीनरीज और वादियाँ देख के आप बिल्कुल इस ट्रैक पे बोर नहीं होंगे। ये बड़ी खूबसूरती है इस ट्रैक की। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको बताया कि हम इस चीज़ों से तैयार होते हैं, सुबह जो है वो बाइक का चेन उतर गया, फिर बाइक पंक्चर हो गई, तो परेशानी इसलिए नहीं है कि हमारे पास टूल्स हैं, तो हम जो भी इस तरह की कोई मसला आता है तो उसको फौरन जो है वहीं पे सॉल्व करते हैं। आप भी तैयारी के साथ आएँ, जब भी आएँ, चाहे आप गाड़ी पे आए हैं, चाहे आप बाइक पे आए हैं, आपके पास कुछ ना कुछ उसके लिए तैयारी के लिए सामान होना चाहिए। आदमदार
अपने सफ़र को बोर मत होने दें। जैसे आप देख रहे हैं कि ये दोस्तों के साथ मैं इनके गाने सुनता हुआ इनके साथ जा रहा हूँ और बड़े मज़े के गाने ये सुना रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त हो रहा है और इन ये भी मूड में आ गए हैं क्योंकि अब मौसम बदल गया है, धूप ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अब ये भी बहुत मज़े में है। बस जी, जैसे मौसम बदला है वैसे ही इनका मूड भी बदल गया है और अब मुझे ये मुख्तलिफ गाने सुनाते हुए केरन तक ले जाएंगे, अपर नीलम तक, तो ये सफ़र आसान हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि जब आप भी अपने सफ़र को आसान कर सकते हैं आपस में शुगल मेला करके, मजाक करके, गाने गा के, आप भी दोस्तों के साथ अपने सफ़र को बहुत आसान कर सकते हैं। तो ये एक टिप है मेरी तरफ़ से। दूसरा ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।